Subscribe and press the bell icon for latest update. लखनऊ में विधानसभा और सीएम हाउस के बाहर आलू फेंके जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। अब इस मामले में नया एंगल सामने आया है। बताया जा रहा है कि आलू फेंकने वाले किसान नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग थे। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में कन्नौज से सपा के दो नेताओं को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि आलू फेंकने की योजना अखिलेश यादव के दो करीबी नेताओं ने मिलकर बनाई थी। आलू फेंकने की घटना को योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया गया था। कड़ाके की ठंड के बीच लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में जहां मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, मंत्री और बड़े बड़े अफसर रहते हैं, वहां लोग 6 जनवरी को सुबह जागे तो हर तरफ सड़क पर आलू फेंका था। आलू कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज से 8 गाड़ियों में भरकर लखनऊ लाया गया था। यूपी पुलिस के अनुसार कन्नौज में समाजवादी पार्टी नेता कक्कू चौहान और एक महिला नेता के पति ने ये पूरी प्लानिंग की थी। 5 जनवरी को सब लोग समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के लखनऊ ऑफिस के बाहर जमा हुए थे। वाकई में ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली है कि जो आलू लोगों तक पहुंचना चाहिए उसे नेता यूं सरेआम रोड पर फेंक कर उसको बर्बाद कर रहे हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।